दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है जिसके बारे में आप लोगों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आधार कार्ड का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां आए दिन जो है ट्वीट किए जाते हैं। यहाँ पर एक ट्वीट आप लोग देख पा रहे जिसके जरिए यहाँ पर ये जो अपडेट है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि जब कभी भी आप लोग जो है अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाते हो, कोई भी करेक्शन करवाते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है और रियल में आपका नाम कुछ और है, तो इस केसेस में आप क्या करते हो, आधार एनरोलमेंट सेंटर जाते हो, वहां आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है उसे आप जो है करेक्ट कराते हो। उसके लिए आप लोगों को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होता है, एक POI देना होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होता है, मतलब कि आधार कार्ड में जो नाम है वो गलत है उससे रिलेटेड आपको प्रूफ देना होगा। आपका एक्चुअल नाम से रिलेटेड एक प्रूफ आप लोगों को आधार एनरोलमेंट सेंटर में बैठे ऑपरेटर को देना होता है, तभी आप लोगों का जो ये चेंजेस है ये हो पाते हैं। तो इन्हीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही ये अपडेट जो है आया है। यहाँ पे UIDAI ने कहा है कि आप लोगों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें जो है चेंजेस किए गए हैं, उनका एक नया लिस्ट जारी किया गया है। उनके ऊपर आप लोगों से, मतलब आप लोगों से, हम लोग से, जो आम जनता है उनसे जो है एक फीडबैक मांगा गया है, एक सजेशन मांगा गया है, जो कि आप लोगों को देना है UIDAI को। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ट्विटर पे आके या फिर UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फीडबैक और सजेशन आप लोगों को देना होगा। ठीक है, कि जो भी ये अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट जारी किए हैं, जिसको मैं आप लोगों को अभी वीडियो में दिखाने वाला हूं, ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्टली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें जो है कुछ सुधार होना चाहिए, या फिर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हटा देना चाहिए, या फिर कुछ को ऐड कर देना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो ये सजेशन आप लोग कब तक दे सकते हो, तो ये कहा गया है कि आप लोग ये सजेशंस जो हैं, आप लोग का जो भी विचार है इसके ऊपर, ये आप लोग जो है शेयर कर सकते हो हमारे साथ 30 सितंबर तक, ये इसमें कहा गया है, यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए गए हैं, किसे हटाए गए हैं और किस में मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आधार UIDAI के द्वारा जो भी ट्वीट किया गया है, यहां पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें कहा गया है कि आप लोगों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसे आप लोगों को देखना है, और अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट वहां से हटा देना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट को मॉडिफिकेशन करना चाहिए, या फिर आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट ऐड करवाना है, तो इससे रिलेटेड सुझाव आप लोग जो है UIDAI को दे सकते हो, लेकिन ये आप लोगों को करना होगा 30 सितंबर से पहले। सो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, और जो न्यू लिस्ट जारी किया गया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, उससे जुड़ा एक PDF का लिंक भी यहां पे दिया गया है। ये जो लिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक PDF का लिंक है, इस लिंक को मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी इस लिंक के थ्रू PDF को डाउनलोड करके और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उन्हें आप लोग देख सकते हो। ओके, सो इस पे हम लोग क्लिक करके उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या चेंजेस किए गए हैं, किस प्रकार से आप लोग जो है आधार UIDAI को आप लोग सुझाव दे सकते हो, और अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि कोई भी चेंजेस हो इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नया लिस्ट है ये आप लोगों का लागू हो जाएगा 30 सितंबर के बाद से। ठीक है, सो दोस्तों, जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो ये PDF आपके फोन में जो है डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है नोटिस कॉलिंग फॉर सजेशन व्यू एंड कमेंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम जनरल पब्लिक ऑन प्रपोज चेंजेस टू द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इन्वॉल्वमेंट एंड अपडेशन। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे आधार UIDAI चाहती है कि आप लोगों को जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक नया लिस्ट दिया गया है, इससे संबंधित अगर आपको कोई भी आर्गुमेंट है, अगर आप लोग जो है चाहते हो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो कि इसमें ऐड कर दिया गया है, या फिर आप चाहते हो कि कोई डॉक्यूमेंट जो है ऐड करना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो। एक आम नागरिक से इसके बारे में जानकारी मांगी गई है, तो आप लोगों को देना है, यहां पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों, यहां पे बेसिक सी जानकारी दी गई है, इसके बाद आप लोगों को अगर सजेशन देना है तो यहां पे आप लोग देख सकते हो एक ईमेल दिया गया है, आप लोग जो है अपनी सजेशन, अपने सुझाव को इस ईमेल के माध्यम से UIDAI को दे सकते हो। ओके, सो आपका जो भी सुझाव होगा आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है,
सो दोस्तों इसमें जो है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं इस लिस्ट में। इस लिस्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि पहले जो आप लोगों का जो मैरिज सर्टिफिकेट हुआ करता था उसके थ्रू आप लोगों का जो न्यू इनरोलमेंट है मतलब नया आधार कार्ड जो है बनाया जा सकता था, लेकिन अब जो है नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे बता दिया गया है नॉट एक्सेप्टेबल एज ए POI फॉर न्यू आधार इनरोलमेंट। ओके, अपडेट करवा सकते हो आप लोग लेकिन न्यू आधार कार्ड जो है नहीं बनवा सकते। ओके, इसके बाद यहां पे जो अपडेट किया गया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो ये काफी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस करने जा रही है UIDAI, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। यहां पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को जो परिवार का मुखिया होता है, हेड ऑफ फैमिली होता है, उसके आधार कार्ड के आधार पर आप लोग जो है अभी तक न्यू आधार इनरोलमेंट जो है आप लोग कर पाते थे, मतलब नया आधार कार्ड बना पाते थे। आप लोग जो है 30 सितंबर के बाद से एक नया आधार कार्ड अपने परिवार के मुखिया के आधार कार्ड के आधार पर आप नहीं बना पाओगे। इसके माध्यम से आप लोग केवल आधार कार्ड के एड्रेस में चेंजेस करवा सकते हो, उसे अपडेट करवा सकते हो, लेकिन आप एक नया आधार कार्ड अपने हेड ऑफ फैमिली के आधार पे आप लोग जो है नहीं बनवा पाओगे। अगर आप चाहते हो कि ये जो है चेंजेस नहीं होना चाहिए, आप लोगों का जो परिवार का मुखिया होता है उसके आधार कार्ड के आधार पर अभी भी मतलब 30 सितंबर के बाद से भी आप लोगों का नया आधार कार्ड बनाया जाए, तो आप लोग जो है इसके लिए सुझाव दे सकते हो UIDAI को। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस करने जा रही है UIDAI। ओके, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं किया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जैसे कि आप जो है DOB अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप लोग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जेंडर चेंज करना तो पहले कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा करता था, लेकिन अब आप लोगों को जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा एलोपैथिक डॉक्टर से, तभी आप लोगों का जेंडर चेंज होगा। इसके बाद अगर आप नेम चेंज करवाना चाहते हो, कुछ एक केसेस में आप लोग जो है एडॉप्शन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट से भी आप लोग करवा सकते हो, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, कुछ एक केसेस में किया जा सकता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग सहमत हो तो आप लोग को कोई भी सुझाव नहीं देना है, कोई भी आप लोगों को कमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर आप असहमत हो किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर तो आप लोग जो है UIDAI को एक सुझाव जो है दे सकते हो, अपना व्यू जो है दे सकते हो, और इस नोटिस में जो है इसी के बारे में बताया गया है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना है।